वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू तनिष कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू क्लास 12 अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का आज मैं आपके लिए परीक्षा बोर्ड से चैप्टर फर्स्ट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सम लेकर आया हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगा, और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों, और आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए मैं इसकी शुरुआत करता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स टेकन फ्रॉम द कैश बुक ऑफ अ हेल्थ क्लब प्रिपेयर अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। निम्न पर्टिकुलर से, कैशबुक के पर्टिकुलर से, यहाँ पर हेल्थ क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता तैयार कीजिए। फर्स्ट अपने को इन्फॉर्मेशन दी है, पर्टिकुलर में आपको दिया ओपनिंग बैलेंस यानी कि प्रारंभिक शेष, कैश इन हैंड ₹5,000 एंड कैश एट बैंक ₹25,000। यहाँ पर आपका रोकड़ शेष दिया ₹5,000 और बैंक शेष दिया ₹25,000। तो सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों आपको समझना है कि इसमें आपको बनाना क्या है। तो आपको दिया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करना है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसका जो फॉर्मेट होता है, रिसिप्ट अमाउंट एंड पेमेंट अमाउंट, तो फर्स्ट जो साइड होती है वो डेबिट साइड होगी, रिसिप्ट अमाउंट वाले साइड डेबिट साइड कहलाएगी, और पेमेंट और अमाउंट वाली साइड होगी क्रेडिट साइड। यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे पहले जो बैलेंस दिया है, बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में आपको लिखना है। जितने भी बैलेंस हो, चाहे कैश बैलेंस हो या बैंक बैलेंस, उसको डेबिट साइड में लिखना है। तो फर्स्ट नंबर हम इसको लिख देते हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। फर्स्ट नंबर हम डालते हैं क्या, बैलेंस BD, और कैश इन हैंड डाल देंगे डेबिट साइड में 5,000 और कैश एट बैंक कर देंगे 25,000। नेक्स्ट आता है सब्सक्रिप्शन। अब आपको देखना है कि जितना भी इसका जो सिस्टम होता है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो भी आपके पास कैश रिसीव्ड होता है वो आपको डेबिट में लिखना है, और कैश पेमेंट यदि आप करते हो तो उसको क्रेडिट में लिखना है। तो आपको दिया सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन 1,65,000, ये आपकी रिसिप्ट होगी, नगद आपको प्राप्त होगा, इसलिए इसको आपको डालना है कौन से, डेबिट साइड में। नेक्स्ट है डोनेशन, डोनेशन इज 35,000, इट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड, इसको भी डेबिट साइड में आपको लिखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट परचेज, आपने इन्वेस्ट किया कहीं पर, कोई चीज़ परचेज की, तो इसमें कैश आपका जाएगा, तो इसको आपको लिख देना है क्रेडिट साइड में, वाय इन्वेस्टमेंट 80,000, वाय इन्वेस्टमेंट 80,000। नेक्स्ट रेंट पेड, रेंट जब आप पेड करोगे तो ये भी आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि कैश इसमें जाने वाला है। जनरल एक्सपेंसेज, सामान व्यय, इसमें भी आपका पैसा जाने वाली अमाउंट होगी, पैसा जाएगा नगद, तो क्रेडिट में डाल देते हैं। पोस्टेज एंड स्टेशनरी, डाक और स्टेशनरी के व्यय होंगे, ये भी आपके क्रेडिट साइड में आ जाएंगे ₹2,000। नेक्स्ट आपको दिया है कोर्टियर चार्जेज, तो ये भी आपका आ जाएगा क्रेडिट साइड, कोरियर के जो खर्चे होंगे क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश यहाँ पर एक्सपेंसेज होगा। सन्ड्री एक्सपेंसेज यानी कि आपके फुटकर वे खर्चे होंगे, 2,500 क्रेडिट में लिख देंगे। लास्ट आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस में आपको कैश इन हैंड दिया है, जबकि ऊपर आपके पास दो बैलेंस थे, एक तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। जब कैश इन हैंड दिया है यानी कि जो आपका डिफरेंस निकलेगा डेबिट साइड का टोटल कर क्रेडिट साइड वाले सभी को माइनस कर देंगे, तो बैंक बैलेंस आपका निकल आएगा, तो बैलेंस CD जो निकलेगा वो बैंक बैलेंस होगा। तो देखते हैं, फर्स्ट नंबर हम इसका फॉर्मेट तैयार करते हैं, बुक्स ऑफ हेल्थ क्लब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट।
फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। ये डेबिट साइड होगी रिसीप्ट अमाउंट, को क्रेडिट साइड में पेमेंट अमाउंट। फर्स्ट नंबर हम देखते हैं इसमें बैलेंस बीडी लिखा, कैश इन हैंड 5000, कैश एट बैंक 25000, टोटल बैलेंस हो गया 30000। सब्सक्रिप्शन डेबिट में लिखा क्योंकि पैसा आएगा इसमें, कैश आया। डोनेशन में भी पैसा आपको प्राप्त होता है तो 35000। अब आपको क्या करना है कि जो भी एक्सपेंसेज है जैसे इन्वेस्टमेंट 80000, क्रेडिट में लिखा, रेंट क्रेडिट में लिखना है, एक्सपेंसेज होंगे जनरल एक्सपेंसेज क्रेडिट में लिखना है, सामान्य व्यय ये भी एक्सपेंसेज है, पोस्टेज स्टेशनरी एक्सपेंसेज है 2000, ये क्रेडिट में लिखना है, कोरियर चार्ज एक्सपेंसेज है 1000, ये भी आपने क्रेडिट में लिखा, सन्ड्री एक्सपेंसेज क्रेडिट में लिखा 2500। बैलेंस शीट, अब यहाँ पर बैलेंस आपके पास बाय कैश इन हैंड का दे रखा है 12000, ये आपने लिख दिया। अब आप डेबिट का टोटल करते हैं तो टोटल होगा 230000, और इसके बाद इन सब का टोटल कर लेते हैं 12000 तक का। इस सभी को टोटल करके आपको 230000 से माइनस करते हैं तो आपका कैश एट बैंक ये बैलेंस फिगर होगा, कैश एट बैंक आ जाएगा 91000। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा कैश बुक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। यदि आपको पसंद आया दोस्तों इस तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।